गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया जॉब लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो जॉब है वो SSC से है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है। तो इसमें आपको कांस्टेबल GD मतलब जनरल ड्यूटी का पोस्ट दिया गया है। तो कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जनरल ड्यूटी के लिए, तो इस पोस्ट को मतलब इस जॉब डिटेल्स को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस GKGI नॉलेज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस GKGI का नॉलेज भी मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के जॉब के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो रिक्रूटमेंट आया है वो जनरल ड्यूटी है कांस्टेबल के लिए, और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने के बाद ही वैकेंसी आपको कितना है वो सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे जॉब जो नेम होगा वो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का होगा। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में। 18 से 23 ईयर सबको एज लिमिट होना चाहिए, मतलब इस एज लिमिट रेंज के अंदर आपको एज लिमिट होना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन जो प्रोसीडियर रहेगा वो यहाँ पे चारों स्टेप आपको मतलब फुलफिल करना होगा। पहले रिटन टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट आपको पास आउट होना है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट, तो इतने सारे टेस्ट आपको पास आउट होना है तभी आप सिलेक्शन हो पाएंगे। तो टोटली चारों स्टेप आपको फिलफिल करना होगा। एप्लीकेशन का फीस कोई भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 5000 से 20000 तक आपको सैलरी मिलेगा, मतलब बेसिक पे आपको 5000 से 20000 तक आपको मिलेगा। तो उससे ज़्यादा भी आपको सैलरी पैकेज मिलेंगे आपका क्वालिफिकेशन वाइज। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख लीजिए, आपको सिर्फ 10 स्टैंडर्ड मतलब मैट्रिकुलेशन पास आउट हो तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आप 10 स्टैंडर्ड क्वालिफाइड हो चुके हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे और भी आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर लास्ट डेट 23 अगस्त, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर दिखाने से पहले यही कहूँगा, टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ मिलने वाला है। तो नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे दोनों पे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन देखिए राइट साइड में न्यू यूज़र और रजिस्टर नाउ, तो रजिस्टर नाउ में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स, एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, ये तीनों स्टेप आपको फिलअप करना होगा। तो फास्ट है बेसिक डिटेल्स, मतलब बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर। तो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आधार नंबर आपका, मतलब कौन ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, कोई भी एक चूज कर लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी, और यहाँ पे आईडी नंबर नेम, उसके बाद फिर से नाम डालिए, और यहाँ पे फादर्स नेम, और यहाँ पे देखिए मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो फिर से डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट कौन से साल में हुआ, और आपका बोर्ड का नाम क्या था, और रोल नंबर कितना था, पूरा डिटेल्स आपको भरना होगा। जेंडर और भी कुछ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह आप ही आपको डालना होगा। उसके बाद सेव करिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जाइए, सेकेंड स्टेप में एडिशनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना होगा, और थर्ड स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो सिंपल स्टेप है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स जानकारी आपको मिल चुका होगा। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस आपको जॉब के मतलब न्यूज चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो देखते हैं अगले जॉब के लिए, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।